आपका नाम क्या है? राहुल। रोहन। राज। ये वीडियो देखने के बाद आपका अपने प्रति सोचने का नजरिया 101% बदल जाएगा। ये क्या है? सर, नेस्ट। किसका? सर, कोयल बर्ड का नेस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। बात हो रही है फेमस एक्टर बमन ईरानी की, जिनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। बाथरूम ले जाना है। किस लिए जाना है बाथरूम? वो मैं तय करूंगा ना बाथरूम में मुझे क्या करना। अपने कैरेक्टर से ऐसी छाप छोड़ी कि हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। आज तो पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उनके जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिल जाती। हर कामयाब इंसान के पीछे होती है उसके कई सालों का संघर्ष और खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन। बमन 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में पारसी कम्युनिटी में पैदा हुए। जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर चलाने के लिए उनकी मम्मी ग्रैंड रोड एरिया में छोटी सी चिप्स की दुकान चलाती थी, जिसकी जगह महज बहुत ही छोटी सी थी। अपनी माँ का सहयोग करने के लिए बमन ईरानी भी उस शॉप में बैठा करते थे। आज जितने अच्छे से डायलॉग बोलते हैं। मेरा नाती दो। कैसे आया ये? आया नाती दो। अभी दे। नरो नाती। काला। एक समय ऐसा भी था, मुंह खोलते ही लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें स्पीच डिफॉल्ट यानी तोतला बोलने की आदत थी। वो 7th स्टैंडर्ड तक ना के बराबर ही बोलते थे, ताकि कोई उनके तोतलेपन का मजाक ना बना सके। बमन ने अपनी एलिमेंट्री एडुकेशन मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद बमन ने वेटर का डिप्लोमा किया। होटल ताजमहल में 2 साल एज एन वेटर काम किया। लेकिन बमन का पैशन था फोटोग्राफी, जिसके चलते वो बाद में एक्टिंग की दुनिया में आए। वेटर की नौकरी से उन्हें 5 रुपए 10 रुपए जो टिप मिलती थी, उसको उन्होंने जमा किया और बाद में एक कैमरा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टिप से कैमरा जैसा इक्विपमेंट खरीदना काफी बड़ी बात थी। इससे ये शो होता है कि उनका अपने फोटोग्राफी के पैशन के प्रति कितना इंटरेस्ट था। के बाद उन्होंने अपनी वेटर की नौकरी को छोड़ दिया। स्कूल में बच्चों के फुटबॉल मैचेस के पिक्चर्स लेते थे और उनके पेरेंट्स को 20-30 रुपए में बेच देते थे। उस समय उनको समझ आ चुका था, ये मेरा पैशन नहीं प्रोफेशन है। अब तक उनकी जिंदगी में चीजें ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक इंसिडेंट हुआ, 0 नंबर बल्ब वाला, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। शादी के 7 साल के बाद पैसा इकट्ठा करके पहली बार अपने फैमिली और बच्चों को घुमाने के लिए ऊटी लेके गए। जैसे ही होटल में पहुंचे, होटल बाहर से खंडर लग रहा था। एक बूढ़ा सा आदमी उनको होटल के अंदर लेकर गया। रूम का दरवाजा खोला, एकदम डरावना लग रहा था। उस रूम में लाइट तक नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। बूढ़े आदमी की लाख कोशिश करने के बाद मात्र 1 0 नंबर का बल्ब जला। उनकी आंखों में आंसू थे, पूरी तरह से शर्मसार हो चुके थे, लेकिन अपनी वाइफ और बच्चों के सामने हंसने का दिखावा कर रहे थे। ये बमन ईरानी की लाइफ का वो मोमेंट था, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। 0 नंबर बल्ब मोमेंट ने उनको पूरी तरह से झकझोर दिया। सीने में आग लग चुकी थी जीवन में कुछ कर गुजरने की, 0 नंबर बल्ब मोमेंट को रिपीट ना करने की। वही पहुंचे, पूरी रात नहीं सोए, एक चेयर में बैठे हुए थे। सामने कैमरा पड़ा हुआ था, कैमरा उठाया और गले में लटका लिया। सुबह 5 बजे का वक्त था, अपनी वाइफ को उठाया और कहा, आज से मैं फोटोग्राफर हूं और जॉब के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं खुद अपने लिए जॉब क्रिएट करूंगा। यहां से शुरुआत होती है द ग्रेट बमन ईरानी, जिनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। कुछ समय के बाद एक न्यूज आती है कि वर्ल्ड कप बॉक्सिंग के मैचेस इंडिया में कंडक्ट होने वाले हैं 6 महीने के बाद। उस समय मिस्टर अदाजानिया बॉक्सिंग ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अमन अदाजानिया के ऑफिस में पहुंचे काम मांगने के लिए। उनसे कहा, मैं स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफर हूं, आप मुझे वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में ऑफिशियल फोटोग्राफर रख लीजिए। अदाजानिया ने उनकी शक्ल की तरफ देखा और कहा, अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये सुन के बमन काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अदा जानिया से कहा, आप मुझे वॉलंटियर रख लीजिए, मैं ऑफिस के सारे काम करूंगा, बस वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में बैठने के लिए एक छोटी सी जगह मुझे दे दीजिए जहां से बैठ के मैं फोटोज क्लिक कर सकूं। बट अगेन अदाजानिया सेड आई विल थिंक ऑन इट। बमन ऑफिस से बाहर जाने लगे तभी अदाजानिया ने उनसे कहा, बॉक्सिंग मैच किया है कभी? बमन ने कहा, नहीं। अदाजानिया ने कहा, और तुम मुझसे वर्ल्ड कप बॉक्सिंग की बात करने के लिए आया हो? बमन ने अदाजानिया के ऑफिस में वेस्टर्न बॉक्सिंग का पैम्पलेट पड़ा हुआ देखा था। उन्होंने कहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 6 महीने हैं। सैंपल फोटोज में वेस्टर्न बॉक्सिंग के क्लिक करके लेके आता हूं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे रख लीजिएगा। बमन ने पूरे दिल और क्रिएटिविटी के साथ पिक्चर्स क्लिक किए, अदाजानिया के टेबल में रखे। उन्होंने ये पिक्चर देखे, उन्हें बहुत पसंद आए और बमन को अपॉर्चुनिटी मिल गई। उस समय बमन ईरानी की एज थी 32 और 33 के अप्रॉक्स। उन्हें अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिले थे। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो गई। अदाजानिया ने बमन को नॉर्वेजियन मैनेजमेंट के एक नौजवान से मिलवाया। नॉर्वेजियन टीम उस समय इकलौती टीम थी जो स्पॉन्सर्ड थी। बमन की उस नौजवान के साथ बात हुई, उनकी 3 स्पेसिफिक पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट थी। बमन को पिक्चर के बारे में ब्रीफ दिया गया। पिक्चर्स बमन ने इतने अच्छे से क्लिक किए, नॉर्वेजियन मैनेजमेंट को ये पिक्चर्स बहुत अच्छे लगे और इसके लिए उस समय बमन को $900 दिए गए इन 3 पिक्चर्स के। जब भी ये पिक्चर्स मैगजीन में यूज हुई तब तब बमन को इसका पैसा दिया गया। उसके बाद उनको अलग अलग ब्रांड्स के साथ एज एन फोटोग्राफर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद बमन ने फोटो स्टूडियो ओपन किया। फोटोग्राफी की दुकान बहुत अच्छे से चल पड़ी थी। उसके बाद उनके जीवन में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। शामक दा उनके स्टूडियो में आए फोटोशूट करवाने के लिए। फोटोशूट होने के बाद उन्होंने बमन को कहा कि तुम जीवन में बहुत अच्छा करोगे, तुम्हें काफी नेम और फेम मिलेगा। तो बमन ने कहा, किस चीज में? फोटोग्राफी में? शामक दा ने कहा, एक्टिंग में। बमन काफी सरप्राइज थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो भी कभी एक्टर बनेंगे। बाद में शामक दा फोटो के प्रिंट लेने के लिए बमन के स्टूडियो में आए, बमन को लंच ऑफर किया। उसके बाद शामक दा बमन को लंच के बहाने सीधा एलिक के घर लेके गए। उस वक्त एलिक एक म्यूजिकल प्ले कर रहे थे, प्ले का नाम था रोशनी। शामक दा ने एलिक को बोला कि बमन का ऑडिशन लो। ऑडिशन हो गया। ऑडिशन होने के बाद एलिक ने शामक दा को कहा, बमन हैज अ नो टैलेंट। शामक दा ने एलिक को कहा, अगर तुम बमन को प्ले में नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे प्ले में कोरियोग्राफी नहीं करूंगा। शामक दा के कहने पर एलिक ने बमन को एक छोटा सा रोल दे दिया। उस प्ले में बमन को पिंप का रोल मिला था। इस तरह से प्ले में काम मिला। दूसरा प्ले उन्होंने किया, आई एम नॉट द बाजीराव। तीसरा प्ले उनको ऑफर किया गया द ग्रेट इंडियन एक्टर थिएटर आर्टिस्ट फिरोज खान जी ने। प्ले का नाम था महात्मा वर्सेस गांधी। गांधी का रोल उनको मिला था जिसमें 26 किलो वेट उन्होंने कम किया था। 10 साल तक बमन ने थिएटर किया। एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर बमन ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था लेट्स टॉक। हैंडी कैमरा से पूरे फिल्म को शूट किया गया था। ये फिल्म देखने के बाद विनोद चोपड़ा जी ने उनको MBBS फिल्म का ऑफर दिया। मामू का कैरेक्टर इतना फेमस हो गया, उसमें उनको बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं जिसमें जॉली LLB, 3 Idiots, वक्त, PK, हर कैरेक्टर में जान फूंक दी। ये थी बमन ईरानी की कहानी। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बॉस मेहनत करते रहो, जीवन में कुछ भी हो सकता है। हमारे चैनल पोपो फिल्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।